हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले एकांश मिश्रा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पूछा है। तो पहले समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग गाइस ऐसे नंबर होते हैं जिस जो कि ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि जैसे 1.43 हो गया, 2.7778 हो गया। मतलब कि गाइस जैसे वो ऐसे नंबर होते हैं जिस जो किसी लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे हो गया 99.54, मतलब कि गाइस ऐसे नंबर होते हैं जो कि किसी लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो ये नंबर ऐसे नहीं होते, जैसे 99.54 इसको हम लिख सकते हैं 99.54/100। मतलब कि ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो अगर उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो वह पूर्ण मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, भले पॉइंट में जाए पर वह एक लिमिट के बाद एक ख़त्म हो जाए, ये होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग गाइज ऐसे होते हैं जैसे कि हो गया 1.43333 बार, मतलब कि 1.433333333 इन्फिनिटी तक ये सब जाएंगे। जैसे हो गया 4.7 बार, ऐसे हो गया एक नंबर, ऐसे भी हो सकता है 1.09009009009 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो जिसको हम डिवाइड मतलब जैसे ऐसे ये ऐसे नंबर हैं जो कि एक लिमिट के बाद ख़त्म नहीं होते, ये सब इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब कहाँ तक जाएंगे हमें पता नहीं है, ये कहाँ तक जाके ये डिवाइड होंगे, मतलब कि पूर्ण कम्प्लीटली ये डिवाइड होंगे, मतलब कम्प्लीटली ये नंबर डिवाइड होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कि जैसे इसकी एक लिमिट के बाद जैसे आ गया 1.43444455, इतनी मतलब कुछ लिमिट के बाद जो ख़त्म हो जाएं उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो कुछ लिमिट के बाद भी मतलब अप टू इन्फिनिटी तक ख़त्म ना हो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और गाइज अब हम आपको बताते हैं कि हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे जानेंगे। जैसे टर्मिनेटिंग है, जैसे कोई रेशनल नंबर लिखा गया है, कोई भी नंबर जैसे लिखा गया 4/5, या लिखा है 300/25, या लिखा है कि 4000/40। गाइस हम उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, उस वो नंबर टर्मिनेटिंग रहेंगे जिसके डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वह या तो 2m या 5n या फिर 2m एंड 5n दोनों, या तो उसका प्राइम फैक्टर 2 के मल्टीपल आए या उसका 5 का मल्टीपल आए या दोनों के मल्टीपल आए तभी होगा। सिर्फ यही दोनों होने चाहिए, यही दोनों होने चाहिए, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 के दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। अगर कोई और नंबर आ गया जैसे 6/7 समथिंग, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। जैसे अब इसमें क्या है 4/5, ये टर्मिनेटिंग है? हाँ टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वह 5 आएगा, मतलब कि 5/1। मतलब कि हमने कहा कि 2m या तो 2 के मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो या दोनों का मल्टीपल हो तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ये अगर उसमें जैसे आ गया उसके डिनोमिनेटर का आ गया कि 2, 5 एंड 7, तो ये जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर प्राइम फैक्टर 2m, 5n के साथ कुछ और नंबर भी आ जाए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, वो कम्प्लीटली वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे हो गया 8/7,
ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इसका जो प्राइम इस डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख सकते। इसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा वो 7 आएगा। इसलिए गाइस ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होंगी उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों के मल्टीपल हों तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे गाइस। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब एक्सरसाइज 1.4 को हम सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अब गाइस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 को करते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है बिना हमें लॉन्ग डिवीजन किए हमें ये बताना है कि ये सब जो रेशनल नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो गाइज हमने अभी आपको बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसके हम डिनोमिनेटर को 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख सकें। मतलब कि 2 के मल्टीपल में लिख सकें या तो 5 के मल्टीपल में लिख सकें या दोनों के 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में लिख सकें। सिर्फ यही दोनों उसके मल्टीपल होने चाहिए तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो 3125 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे अगर उसमें 2 और 5 आएंगे तब तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। तो जैसे 325 चलते हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 6 5 5.25 5 25 5 5 5 5 1। मतलब 5 × 5 × 5 इसको हम लिख सकते हैं। 325 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। मतलब 3125 को हम 5 की पावर 5 में लिख सकते हैं। तो वो ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि हमने आपको बताया था जिसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m या 5 की पावर n में लिख सकें या इनमें से दोनों में से कोई भी उस नंबर का मल्टीपल हो तो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके 2 की पावर 5 की पावर 5 में लिख सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हेंस इट्स डिनोमिनेटर इसको 5 की पावर n में लिख सकते हैं इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 17/8 इसमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हमें 8 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो 8 का निकालेंगे क्या आएगा, 8 का आएगा 2 4 2 2 1। इसके प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसकी ए टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m में लिख सकते हैं इसलिए टर्मिनेटिंग है। और 5 की पावर n में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 0 कर दें, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, तो हो नहीं गया। इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख सकते हैं और वैसे भी 2 की पावर m में लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक हो तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हेंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। हेंस अब इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 64/455 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो चलिए पहले 455 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा जैसे 400 या
को क्या हो गया? आएगा 5 से कटेगा, 5 9 जा, ये 7 से जाएगा, 13 1 जा। इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 5 × 7, इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 455 के, 5 × 7 × 13। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने बताया था उसका जो डिनोमिनेटर हो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर हो उसको हम फाइव की हमने आपको बताया। और टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम 2 की पावर m या 5 की पावर n इन्हीं दोनों के मल्टीपल में लिखें, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। बट इसमें हम 455 को 7 के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, 13 के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। हेंस इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 15/1600 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। हाँ है, तो चलिए 1600 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 1600 का निकालते हैं तो आएगा क्या, 1600 का 2 से जाएगा, 2 800, 2 4 या 2 2 200, 2 50, 2 25, 5 5 5 1 जा। इसको हम लिख सकते हैं 1600 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 1 2 3 4 5 × 5। मतलब कि 1600 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। मतलब कि 1600 को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग। अब हम इसको देखेंगे 29/343 को, इसमें ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो 343 को पहले देख चेक करेंगे कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें, तो आएगा 343 का, इसको हम 7 से जाएगा, 7 9 जा, 7 अब 7 जा, 7 1 जा। तो मतलब इसको 7 की क्यूब में लिख सकते हैं, 343 को हम 7 के क्यूब में लिख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमें डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते, तो यह टर्मिनेटिंग नहीं है, या इट इज़ आर नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज टर्मिनेटिंग। अब हम इसको देखेंगे सिक्स क्वेश्चन में, तो हमें खुद ही दिया गया है 23/2³ × 5^2। तो मतलब कि इसके डिनोमिनेटर है उसको हम 2³ मतलब कि 2³ और 5² में लिख सकते हैं, तो मतलब ए क्या है, टर्मिनेटिंग है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 129/2² × 5^7 × 7^5। मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में है, 2² मतलब 2^m × 5^n इंटू 7^n। मतलब कि इसमें 7 की पावर समथिंग कुछ दी गई है, तो इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग वही होगा जिसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। तो हेंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। इसके पहले गाइस आपको यह लिख लेना है कि इट इज इट्स डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2^m × 5^n, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये सब लिखना है। तो अब आपसे 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है 6
अपॉन 15 क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 6 अपॉन 15, 15 का क्या आएगा प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। तो इसमें हमने देखा कि 3 आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर में, तो हमने देखा ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा 6 का जो फैक्टर आएगा वो 2 इंटू 3 आएगा, तो मतलब कि अगर 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, अगर हम 3 से 3 काट दें तो आएगा 2 अपॉन 5। तो मतलब कि ये जो है इसको हम 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35 अपॉन 50, इसकी क्या है टर्मिनेटिंग है, तो चलिए देखते हैं 50 का क्या आएगा। 50 का आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आएगा। मतलब 50 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, इट इज अ टर्मिनेटिंग। अब हम देखेंगे 77 अपॉन 210, इसको देखेंगे तो आएगा 210 का पहले प्राइम फैक्टर निकालने तो आएगा इसका, इसका प्राइम फैक्टर आएगा 210 का लेंगे तो 2 1 2 105, 3 3 3 3 5 15, 5 7 7 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 3 और 7 एक्स्ट्रा भी हैं। तो हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग तो वो होगा जो जिसमें सिर्फ 2 और 5 हो, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, बट इसमें 3 और 7 भी है, सो यह टर्मिनेटिंग नहीं है, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू।